Hi, I'm Meenakshi. I'm a celebrity makeup artist and I'm a founder of Golden Pearl. और आज मैं यहाँ आई हूँ अपनी ही कहानी अपनी ही ज़ुबानी सुनाने के लिए. मैं आज आपको बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि मेरी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई. मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करके हम चारों बहन भाइयों को अच्छे से पाला. हमारे पापा जो थे वो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे और हमारी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया और हमें कैसे कैसे पाला पोसा बड़ा किया पढ़ाया लिखाया. हमारे लिए इतनी मेहनत की कि मैं उसे बयां नहीं कर पाऊँगी शब्दों में, क्योंकि माँ की जो गाथाएँ होती हैं हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं. मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने हमें पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया. वो भले ही खुद एक क्लास भी नहीं पढ़े हुए, लेकिन हमारे लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है हम बच्चों को काबिल बनाने के लिए, और हमें अच्छी शिक्षा दी है ताकि हम आगे अपने जीवन में और अच्छे से आगे बढ़ सकें. और मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी मम्मी ने बताया कि बच्चों आगे चल के फ्यूचर में आपको कैसे करना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में आपको आगे कैसे रहना चाहिए, कब कौन सी मुसीबत आपके कब आ जाए कुछ नहीं कह सकते. बस उसी के चलते हमारी मम्मी ने हमें बहुत सी शिक्षाएं दी जिसके चलते आज मैं यहाँ हूँ. लेकिन उससे पहले मैंने पढ़ाई की और घर के जितने भी कामकाज थे, मेरा ब्रदर था जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. हमें तीनों बहन भाइयों को अच्छे से संभाला, मम्मी का हाथ बताया और उसने काफ़ी सपोर्ट किया हमें. और उसने ही मुझे घर गृहस्थी बसाना सिखाया कि घर के कामकाज आने चाहिए, कुछ सीखना चाहिए. अब आप बड़े हो रहे हो बेटा तो कुछ काम सीखो घर के, अच्छे से नौकरी भी करनी है तो उससे पहले आपको घर के कामकाज आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ. मेरे ब्रदर ने मुझे पार्लर का काम सिखाने के लिए, मतलब वो ऐसे ही डेकोरेशन का काम करता था, उसमें सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड थी, और उसने ही मुझे कोमल श्रीवास्तव जी से मिलाया जो कि मेरी आज गुरु हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. और मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कितनी मेहनत की है मुझे पार्लर का काम सिखाने में, मुझे अच्छी शिक्षा देने में. मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत बेस्ट बनाया है और हर काम को इतनी बारीकी से और इतने अच्छे से सिखाया है कि मैं बयां नहीं कर पाऊँगी. मेरा काम बोलता है, ये आज उन्हीं की बदौलत है. और मेरे भाई हैं, मतलब मेरे तीन भाई थे, अब दो भाई हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, सब लोग हैं फैमिली में. और मेरे ब्रदर ने चाहा था कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, जो कि बहुत अच्छे से हुई भी आगे चल के. और उससे पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी गुजरात जाऊंगी, तो वहाँ बस मुझे फेसबुक से मिले हैं मुकेश जी जो कि मेरे लाइफ पार्टनर हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जो कि मुझे हमेशा बताना चाहते हैं कि नहीं मानसी, ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ये नहीं ऐसे करो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 10 बार पूछो, 10 बार बताओ कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है. लेकिन मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी भी उन्होंने मुझे लेट डाउन नहीं किया कि नहीं तुम ये मत करो, तुम ऐसे मत करो. उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि नहीं, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो पूछो. और इनफैक्ट मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, सभी लोग फैमिली में इतने अच्छे हैं कि वो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते होते हैं वो लोग, और मुझे बताना चाहते हैं कि नहीं बेटा, आप इस जगह गलत हो, इस जगह सही हो. तो नाप तोल ऊपर नीचे ज़िंदगी में चलते रहते हैं और हमारी फैमिली हमें अच्छे से सपोर्ट करना बताती है कि लाइफ में आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं आप तो प्लीज़ अपनी फैमिली की बातें सुनें, क्योंकि वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं. और बताना चाहती हूँ कि मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि मैंने जितना भी पार्लर का काम सीखा, मेरी गुरु कोमल श्रीवास्तव जी ने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है कि मैं बयां नहीं कर सकती. मेरा काम बोलता है और मैंने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, फैशन शोज़ वगैरह में, जैसा कि आप जानते ही होंगे, वेटज़िला फैशन एंड एंटरटेनमेंट, मन्नत एंटरटेनमेंट और भी कई सारे हैं. और साथ ही साथ मैंने एक टीवी रियलिटी शो किया है, वो भी मैंने अपने हस्बैंड के सपोर्ट से ही किया है. अगर वो नहीं होते मेरी लाइफ में तो शायद पता नहीं आज मैं कहाँ होती, किसी गांव-वांव में चूल्हा चौका कर रही होती. लेकिन हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ.
उन्होंने मुझे इतना कामयाब बनाने में अभी तक से इतना सपोर्ट किया है मुझे, और आज भी मैं बस आगे बढ़ने की सोच रही हूँ उन्हीं की वजह से। एक टीवी रियलिटी शो किए है उन्हीं के सहारे से, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो आज भी हम उन्हीं का सामना कर तो रहे हैं, लेकिन हाँ एक हिम्मत बन जाती है कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा बनना है। दूसरों को नहीं बताना है मुझे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। लाइफ में आगे बढ़ने का सपना बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन बयां करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने आप पर आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो अपनों पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि भले ही चाहे कोई आपकी ज़िंदगी में काम आए कि ना आए, ये अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इस अप डाउन वाली लाइफ में मैंने इतना तो जान लिया कि कभी कभी अपने भी अपने नहीं होते। तो बीच में बहुत बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, इस हद तक मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा रूह कांप जाती उस चीज़ों को सोच करके कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। इस चीज़ को सोचते हुए मैं डर गई थी, लेकिन आज उस समय ने ही मुझे बताया कि नहीं, खुद को मजबूत बनाना सीखो तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं आज तक। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। ये बुरा वक्त है, जब अच्छे समय नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी जल्दी ही कट जाएगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये हस्बैंड के लिए है कि हमेशा आप सपोर्ट बनाए रखिएगा, और लाइफ में मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिले लाइफ में जिन्होंने सिर्फ मुझे बताया कि कलर को लेकर के बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन मुझे आज अपने कलर पर प्राउड फील होता है कि नहीं मैं भी कुछ हूँ। पर्सनैलिटी निखारने से होती है, कलर वगैरह से कुछ नहीं होती। अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आपकी शक्ल सूरत भी किसी काम की नहीं है। तो अगर आपको अच्छा बनना है तो अपनी सीरत अच्छी कीजिए, सूरत नहीं, क्योंकि सूरत तभी अच्छी हो पाएगी जब आपकी सीरत अच्छी होगी। और मेरे हस्बैंड ने मुझ में बस यही देखा है, शायद उन्हें मैं अच्छी लगी, इसलिए आज 7 साल हो गए हमें साथ में रहते हुए। और लाइफ में बच्चों की कमी बहुत खलती है, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया कि नहीं, हमारी लाइफ में बच्चों की कमी नहीं है, क्योंकि आज मॉडर्न ज़माना हो चुका है। पहले मुझे भी डर लगता था कि नहीं पता नहीं मेरी सासू माँ क्या कहेंगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगी। फिर मैंने एक दिन अचानक उनसे सामने से ही पूछ लिया कि मामी आपको बुरा तो नहीं लगता कि हमें बच्चे नहीं हैं? फिर उन्होंने कहा ये तो भगवान की इच्छा है कि आपको बच्चे हैं कि नहीं हैं, वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। अभी अपनी ज़िंदगी जियो, कुछ बनो, कुछ करो। लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत पे ही ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। बच्चे तो बहुत सारे हैं फैमिली में, किसी को भी अपना सकते हो आप, तो वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ मेरे घर वाले सब लोग मेरे सपोर्ट में हैं, तो आज पर हाँ आज भी मेरी आँखें नम हो जाती हैं क्योंकि मैं अपने भाई को याद करती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज़ के लिए। मिस यू भाई। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए है एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर आपको अपने आप को दिखाने का एक मौका मिलेगा, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ये एक लव शो है, लव ट्रैप। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं लव ट्रैप के साथ जुड़ना, तो अभी ही जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि ये लव शो है और आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप को प्रूफ करने का मौका मिल रहा है। तो मौका गवाइएगा नहीं, जल्दी ही जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। और मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ उन सभी को जो लोग मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और हमेशा अपना प्यार हमेशा ऐसे ही लौटाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।